SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलचलें लगातार तेज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इसे दुरुस्त करने और श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इंदौर में पंच और सरपंच के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे सामाजिक न्याय मामलों के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इस मामले में विधि मंत्रालय से चर्चा के बाद अगले सप्ताह रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। भारत सरकार ने, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटीज एक्ट के तारतम्य में निर्णय दिया, संज्ञान में लिया, गंभीरता से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद मेरे मंत्रालय की ओर से हमने विधि मंत्रालय से इस आशय की नस्ती भेजी कि इसमें रिव्यू पिटीशन की आवश्यकता है, कृपया विचार करके राय दें। तो मुझे खुशी है भारत सरकार के विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने उस पर सहमति दी और मुझे सुबह 8:30-9 बजे के आसपास उन्होंने टेलीफोन करके कहा है कि रिव्यू पिटीशन के लिए विधि मंत्रालय ने सहमति दे दी है। रिव्यू पिटीशन के बिंदुओं का निर्धारण करके अगले सप्ताह में पिटीशन दायर करने की ओर हम अग्रसर होंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि SC ST एक्ट अगर बदलाव के बाद लागू होता है तो अपराधियों को इससे संरक्षण मिलेगा, वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने में जांच प्रभावित हो सकती है। इस वर्ग को देखो, उसमें उस फैसले से ऐसा लगता है कि एट्रोसिटीज एक्ट को तो उन्होंने स्वीकार किया है, मान्य किया है, परंतु उसकी कुछ प्रक्रिया पर उन्होंने निर्णय दिया है और वो निर्णय न्याय सिद्धांत को प्रभावित करने वाला है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार ने बताया कि कार्यक्रम में विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हमने पूरा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का हमारा जो पूरी टीम है उसको आज ही आमंत्रित किया है। आदरणीय ताई उनकी मुख्य अतिथि और आदरणीय थावरचंद जी गहलोत केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे अभी तक के जो अनुकरणीय कार्य हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे और साथ ही आने वाले समय में हम क्या अच्छे कार्य कर सकते हैं उसके लिए भी कार्यरूप तैयार करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने, जिला पंचायत की पूरी टीम ने निचले स्तर पर बहुत ही अनुकरणीय कार्य किए, जैसे ODF करना, जल संवर्धन में तालाब गहरीकरण का कार्य, पुस्तकालयों का निर्माण, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो पूरे प्रदेश के लिए हम लोग उदाहरण प्रस्तुत कर पाए हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग पूरे परिवार के रूप में, टीम के रूप में कार्य करें और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी सराहना की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।